अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कर लेते हैं हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल समर के लिए तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए भी जिनको हाइड्रेशन का मसला है। स्किन बहुत 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 उनको लगता है कि जी हमारी ड्राई फील हो रही है, स्किन डिहाइड्रेटेड फील हो रही है, स्किन में जान नहीं है। उसके अलावा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिगमेंटेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, फ्रैकल्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। और यार देखने क्या है वीडियो, मैं तो कहती हूँ चीज़ें उठाओ और कुड़ियों मुंडियों चीज़ें लाओ और शुरू करने आ। तो मैं आपको बता देती हूँ, साथ साथ मैं आपको चीज़ें बताती जाऊँगी, घर में ही ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस ये है कि अगर आप बाहर से करवाते हैं तो 15-20 हज़ार का तो आपका हाइड्रा फेशियल होता है, तो ये उसकी तरह का रिज़ल्ट तो नहीं देगा, लेकिन ये है कि 70-80% उसकी तरह के ही रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। बस उसमें यह है कि चीज़ें इस तरह की यूज़ होती हैं जिनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे उनमें केमिकल्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अपने फेस की क्लिनजिंग। और जो मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं घर की चीज़ें ही यूज़ करूँगी, तो उसके लिए फिर मैं घर की ही चीज़ लूँगी और वो होगा जी ये मिल्क क्रीम। मिल्क क्रीम आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रेश दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो उतार सकते हो, या आप स्टोर से जो आपकी नेस्ले की या मिल्क पैक की या किसी भी ब्रांड की जो आपको क्रीम मिलती है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से आपने लगाना है और इसका ये मकसद होगा, आपको पता है कि फेशियल हो पहली स्टेप उसमें होती है जी क्लीन करना। और एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूँ कि इस फेशियल में टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितना मैं आपको टाइम बताऊंगी आप लोगों ने उतना ही टाइम लगाना है। आप लोग कहते हो अच्छा ये सारी स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा है और हर कोई इसे कर सकता है। तो क्लिनजर अगेन मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह मेरी तरह मिल्क क्रीम ले सकते हो। मिल्क क्रीम बहुत अच्छी है आपके फेस से इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, आपके फेस को ग्लो देने के लिए, आपके फेस की अच्छे से क्लिनजिंग करने के लिए। आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर क्रीम आपकी कम होती है या जो भी आपका फेशियल है, फेशियल कह रही हूँ, क्लिनजर है, क्लिनजिंग मिल्क है, फेस वॉश है, वो कम हो तो आप उसको मज़ीद ले सकते हैं। ये आप करोगे 3 मिनट के लिए। अगर तो मेरे साथ कर रहे हो तो बड़े अच्छे बच्चे हो, बड़ी अच्छी बच्चियाँ हो, और अगर मुझे बस देख रहे हो तो कॉपी पेंसिल ले आओ, नोट कर लो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि है ये हर स्किन वालों के लिए और हर एज वालों के लिए, आदमी हैं औरत हैं हर एक के लिए। अच्छा जी, तो क्लिनजिंग हमने कर लिया और अब हम लोग कर लेते हैं जी अपना मुंह साफ। आप मुंह धो लें, मैं यहाँ पर क्योंकि आप लोग को करके दिखा रही हूँ इसलिए मैं मुंह नहीं धो रही, मैंने गीले कपड़े से मुंह साफ़ कर लिया, तो आप लोग चाहें तो आप मुंह धो लें। तो अब आता है मेन पार्ट जो कि हाइड्रा फेशियल को बनाता है, और उसके लिए ये मैंने बना लिया है। और इसमें जो चीज़ें डाली हैं मैंने उसमें आप नोट कर लें। एक तो आपने लेना है जी दही, आप लेंगे 2 टेबलस्पून दही। आप कोशिश करें, वैसे आप स्टोर बॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए दही वो अच्छा है जो आपने घर में जमाया हो या जो फ्रेश दही हो और उसके साथ खट्टा पानी भी आए, ठीक है। खट्टे पानी से बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपकी स्किन पर आता है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है और उस पर शाइन आती है। फिर आपने लेना है ऑयल 1 टेबलस्पून, मैंने यहाँ पर बादाम का तेल लिया है, मीठे बादाम का तेल। आप चाहें तो आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टोटली आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने लेना है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर यानी मकई का आटा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए। और लास्ट चीज़ हम लेंगे 1 टेबलस्पून टमाटर का जूस, टमाटर को आपने थोड़ा सा दबाना है तो उसका जूस आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो कद्दूकश करके भी जूस हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो कोई भी सिट्रस फ्रूट यानी खट्टा फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट, स्ट्रॉबेरी, लेमन, कोई भी इनमें से चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने डाल लिया और ये इस तरह से आपका बिल्कुल पानी की तरह का हाइड्रा बन जाएगा। और अब जो मेन चीज़ है वो होगी जी, आपने लेना है इस तरह से जो हमें पट्टी मिलती है ना, पट्टी वो आपने लेनी है, ठीक है, जो जख्मों पर आप लपेटते हैं ना वो आपने लेनी है। और ये आपने ज़रूर लेनी है, आप इस पर कोई बहाना नहीं कर सकते कि हमें नहीं मिल रही या हम इसकी जगह आप कोई भी कपड़ा शपड़ा अगर कहें कि मैं कपड़ा ले लूँ कॉटन का, ये वो आप नहीं लोगे, आप इसी को लोगे। अब आपने क्या करना है, इस पट्टी को लेके इस तरह से आप अपने हाथ पर लपेटोगे, बहुत सस्ती आपको कहीं से भी मिल जाएगी फार्मेसी से, इस तरह से आप लपेटोगे। और उसके बाद ये जो आपने मिक्सचर बनाया है ना, ये इसमें अब आप इस तरह से डिप करोगे और अपने फेस पर लगाओगे,
अब हल्के हाथों आपने इसका 10 मिनट तक मसाज करना है अपने पूरे फेस पर, ठीक है। अच्छे से आप लगाओ, कंजूसी नहीं करनी। किसी का मुंह कितना भी बड़ा या छोटा हो, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे जी 10 मिनट तक अपने फेस पर मसाज। एक एक पार्ट पर आप करोगे, जहाँ जहाँ अगर आपको जैसे नोज़ के आसपास ब्लैक हेड्स का मसला होता है, वाइट हेड्स का मसला होता है, अपर लिप्स पर ब्लैकनिंग का आपको इशू है, यहाँ लाइंस का आपको मसला है, हर जगह आप जो है इसको पट्टी को चलाओ मसाज की फॉर्म में, और आप देखोगे कि आपके ये मसले काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने लगेंगे। वो तमाम लोग जो मुझे कहते हैं कि हम लोग को पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है, हम लोग को फ्रैकल्स का प्रॉब्लम है, हम लोग को ब्राउन स्पॉट्स का मसला है, आप लोग ये करें ये वाला फेशियल, एंड आई गारंटी यू कि इसको अगर आप कंटिन्यूसली अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो आपके ये मसाइल खुद ब खुद ही कम होने लगेंगे। क्योंकि इसमें हमने जो दही यूज़ किया है ना, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपके ये जो मसाइल हैं इनके लिए बहुत 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 अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर हमने यूज़ किया है जी सिट्रस जूस। सिट्रस जूस आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है, आपके कलर को ठीक करता है, आपके ब्राउन स्पॉट्स को कम करता है। फिर हमने यूज़ किया था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को स्मूथ करने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो आपका बच जाएगा ना, इसकी आप फिक्र ना करें, इसको आप अपने हाथों और पैरों पर भी लगा सकते हैं, या आप इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के रख लें और नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा आप इस फेशियल को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने क्या करना है कि इसी को आपने हल्का हल्का जो बच गया है ये अपने फेस पर आप लगाएं, ठीक है, पूरे फेस पर आपने लगा रहे हैं, हल्का हल्का रैंडमली लगा लें, बहुत वो एहतियात से लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं यहाँ पर लगाऊँ अच्छे से, यहाँ पर लगाऊँ, बस इस तरह रैंडमली आप लगा लें जैसे मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद आपने इसी जो पट्टी आपने ली थी उसमें ज़ाहिर आपके पास बच गई होगी, तो इस तरह छोटे छोटे पीसीस कर लें उसके, और अपने फेस पर अपने आप को आपने बना लेना है मम्मी। अब इसको आप अपने फेस पर तकरीबन 10 मिनट के लिए लगा रहने दें, ताकि जो भी सारे फ़ायदे हैं वो सारे आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएं। तो 10 मिनट तक आप वेट कर लेते हैं। अब हमने इन पट्टियों को रिमूव कर देना है, और इसी से हम स्किन को साफ़ कर लेंगे। आप चाहो तो आप मुंह धो लो, अगर आप चाहो तो आप बेशक वैसे ही नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। और नेक्स्ट स्टेप के लिए जो मेरा टमाटर लिया था हमने, हाफ का मैंने जूस निकाल लिया था और हाफ को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से, आपको टमाटर अगर मैं दिखाऊं तो फ्रीज़ पूरी तरह से हुआ है। आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें से जूस नहीं निकल रहा, जब मैं इसे प्रेस करती हूं तो ये बिल्कुल सॉलिड है। तो इससे अब हम लोग अपने फेस का तकरीबन 1-2 मिनट तक के लिए मसाज कर लेंगे। यू नो सिट्रस ही कोई भी चीज़ हो उसको हम ज़ाया नहीं करते। तो अब हम क्या करते हैं, ये अपना मुँह धो लेते हैं जी। तो एंड पर आपने मुंह धो लेना है और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगा लेना है। तो अली कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लग रहा है, फेस की क्लींजिंग हुई है ना, तो फ्रेश फील कर रहा हूँ, सॉफ्ट स्किन फील हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, ये अली के फेस पे जो थोड़ी सी रेडनेस है उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ये आपके फेस पर भी हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी एक तरह से जब हमने किया तो स्क्रबिंग की है। हाँ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ठंडा टोमेटो इसको लगाया था, तो इस वजह से जो है स्किन रेड हो गई है। तो वो आपने परेशान नहीं होना, मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद आपने एंजॉय करना है। तो अली रेकमेंड करोगे ईद के लिए? मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि ईद से पहले जरूर एक बार आप भी अपनी स्किन की क्लींजिंग करें इसी तरीके से। मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप वाकई में बहुत अपनी स्किन को अच्छा फील करेंगे, सॉफ्ट फील करेंगे। हाँ, क्लियर रिजल्ट नजर तो आ रहा है। तो चले यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।